वेलकम टू माई YouTube चैनल दुर्गेश किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ईजी स्नैक रेसिपी। हम बनाएंगे सूजी के पकौड़े। बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इसे बनाने के लिए। मैंने लिया है आधी कटोरी के करीब, ये पतली वाली सूजी है, पतले दाने वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी है तो कोई बात नहीं, आप उसे इससे भी बना सकते हैं। ये मैंने लिया है फ्रेश धनिया पत्ता काट के, अदरक के टुकड़े काट के, प्याज, एक प्याज है जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, और ये 2 से 3 हरी मिर्च लिया है। ये मैंने लिया है छोटी कटोरी दही, और ये मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक। मैंने इसमें लिया है 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। तो चलिए दोस्तों, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में इस सूजी को उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब सूजी में मिलाएंगे हम ये जो भी हमने काट के वेजीज रखे हैं, यानी मैं प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ता। ये सब डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही, देखिए फ्रेंड्स अभी हमने इसमें जब दही डाली तो ये अभी अच्छे से बाइंडिंग कंडीशन में नहीं आया है। तो अब हम इसी कटोरी से नाप के जिससे हमने दही ली थी, हम पानी लेते हैं। और हम इसे फेंट लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, मैं जीरा थोड़ा सा डाल रही हूँ, छोटी चम्मच से करीब। हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च थोड़ा, अगर आपके पास कुटी मिर्च हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए हम इन सब चीज़ों को मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढककर, और उसके बाद हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसे फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए, मैं चेक करती हूँ कैसे हैं हमारे पकौड़े के लिए जो हमने सूजी रखी थी। ये देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है, और जो थोड़ा पानी था इसने एब्जॉर्ब कर लिया और ये और गाढ़ी हो गई है। लेकिन अब इसमें हमें पानी नहीं डालना। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सोडा, खाने वाला सोडा है, ये ज़रूर डालें, बेकिंग सोडा। इससे क्या होगा कि अब जो पकौड़े हैं वो अंदर से नरम और ऊपर से कुरकुरे बनेंगे, और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। दोस्तों सब हमने डाल दिया है, और सोडा, नमक, सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा गरम हो गया, जब हम इसे यहाँ से टच करेंगे रखेंगे हाथ, तो हीट ऊपर आ रही है, इसका मतलब तेल भी अच्छा गरम है। तो अब हम पकौड़े फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो स्पून की हेल्प से या फिर अपने हाथों में थोड़ा थोड़ा पीस लेके, क्योंकि स्टिकी होता है, तो अपने हाथों में थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल करें और इसको कढ़ाई में डाल दें। जितने पकौड़े आ सके उतने डाल लें। फ्रेंड
थोड़ी ही देर में इसमें सुनहरा कलर आ गया है। अब हम इसे पलटेंगे धीरे से और दोनों तरफ से इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। हमेशा तेल थोड़ा गर्म हो तभी पकौड़ों को फ्राई करें। दोनों साइड से अच्छे से इसे ब्राउन करने तक आप फ्राई कर लें। बीच बीच में पलट के दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी ब्राउन कर लेना है। फ्रेंड्स, इसका पकौड़ों कलर कितना अच्छा हो गया है। थोड़ा सा हम इसे और कर लेते हैं सुनहला ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए पकौड़े सुनहले हो गए हैं, तो मैं इसे निकालती हूँ एक प्लेट में। ये देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं बाकी के सारे पकौड़े इसी तरह से तल लूँगी। दूसरे पेज के भी पकौड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं हमारे बनके कुरकुरे। इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे ही मेरा पास अब एक लास्ट बेज का पकौड़े का तलने का बचा है, मैं उसे भी तल लूँगी और उसके बाद मैं इसे प्लेटिंग करूँगी। सारे पकौड़े तल के बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं बनाने में। आप कभी भी इसे इवनिंग टाइम स्नैक बना के खा सकते हैं। बहुत इजी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही ईजी एंड इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके लाती रहती हूँ। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।